लोग गाड़ी को बस स्टॉपेज को नहीं रोकते, तो रिक्शा जाने दो, उसके बाद गाड़ी को रोको। बस स्टॉप पे आप बस रुकाते ही नहीं हो। कोरोना में क्या भेज लगाना मना किया है सरकार ने? अभी क्या मैं पागल हूँ? बस है ना, नीचे से मांग की है, ऊपर से फ्लाईओवर से ले जाते हैं लोग। जब हमने बस स्टॉप बना दिया है तो ये बस को तुम हाथ क्यों नहीं रोकते हो? महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से मुंब्रा कौसा में जो बस के यात्री हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है कलवा मुंब्रा के जो विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, उन्होंने जो है बस स्टैंड जो है शहर में लगवाया, लेकिन उसके बावजूद भी काफी शिकायतें सामने आ रही हैं कि मुंब्रा कौसा से चाहे ठाणे की तरफ जाने वाली बस हो या फिर शिरफाटा की तरफ जाने वाली बस हो, जो बस स्टॉप यहां पर बनाए गए हैं वहां पर बस नहीं रुक रही है, यात्री खड़े रह जाते हैं और जो यात्रियों को बस स्टॉप पर उतरना होता है उन्हें काफी दूर जाकर उतरना पड़ता है। ऐसी तमाम शिकायतें जो है शमीम खान के पास आई थी। और खास तौर पर आपको बता दें कि जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन है उसके पास जो एक ब्रिज है वहां से जो सील मुंब्रा कौसा की तरफ से जो जाने वाली बस होती है वो जो है ब्रिज से होकर चली जाती है और स्टेशन के सामने जो बस यात्री खड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है बस की यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसी शिकायतें तमाम आने के बाद जो है आज कलवा मुंब्रा विधानसभा एनसीपी के जो अध्यक्ष है शमीम खान वो जो है आज बसों के लिए जो है सड़कों पर उतर गए और जो जनता है उनकी परेशानियों को भी सुनी और जो बस कंडक्टर हैं, जो बस के ड्राइवर हैं उनसे भी सवाल जवाब किया कि आखिर वो बसों को बस स्टैंड पर क्यों नहीं रोकते हैं और अगर दोबारा ऐसी हरकत उन्होंने की तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कुछ नज़ारा था, किस तरह से बसों को शमीम खान ने रोका, देखिए इस वीडियो में। आगे आगे लेफ्ट पे दबाओ और लेफ्ट पे लो थोड़ा। आ जाए इधर क्या नाम है आपका? विनास। विनास, अब ये बस स्टॉप था तो यहाँ पे बस को क्यों नहीं रोका आपने? जब हमने वहाँ बस स्टॉप लगाया है पैसेंजर वहाँ खड़े हैं, पैसेंजर्स को बैठना है या अगर इनको उतरना है तो इनके लिए हमने बस स्टॉप लगाया, तो बस को वहाँ क्यों नहीं रोका आपने? क्या काम बोले उतर लेंगे? विलास गलती एक्सेप्ट है या नहीं? मैं जो पूछता हूँ उतना जवाब चाहिए। गलती एक्सेप्ट है या नहीं है? आइंदा ऐसी गलती होगी कंडक्टर? आइंदा ऐसी गलती होगी आज के बाद? आप लोग दो चीज ध्यान दो, खास करके मैं कभी भी कहीं भी बस में आ सकता हूं और पूरा बात कर सकता हूं। इस पैसेंजर को अगर तकलीफ होगी वो तकलीफ शमीम खान को होगी, इतना ध्यान देना आज के बाद। और सेकंड बात, मुंब्रा ब्रिज से क्यों लेके जाते, नीचे से क्यों? नीचे से मैं क्या गाड़ी नीचे से किसी को जाते समय नीचे से क्या? कभी भी ध्यान दो, गाड़ी नंबर देखो, जाते कभी भी इतना ध्यान दो कि बस स्टॉप सुन लो, बस स्टॉप पे बस को रुकाना है आपको और नीचे से बस को ले आना है। कहाँ से? सिटी से लेके जाना है। किसे लेके? हमारी आवाम को तकलीफ होना नहीं चाहिए। आइंदा हम आगे से ले रहे हैं, अभी आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा ध्यान देना। रिक्शा वाले अगर बीच में आते हैं तो रिक्शा निकल जाने दो, फिर आप वहाँ लगाओ, लेकिन बस को रोड में मत रोको, रास्ते के मत ही थामो। ओके, लेके जाओ बरोबर बस स्टॉप पे रोको। तो आप लोग गाड़ी को बस स्टॉप पे क्यों नहीं रोकते? मेरा सवाल है क्यों नहीं रोकते तुम लोग गाड़ी को बस स्टॉप पे? मैं मुझे इसका जवाब दो पहले आप। बस स्टॉप पे अगर रिक्शा रहेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। अरे बस गाड़ी रिक्शा रहता है ना तो रिक्शा जाने दो, उसके बाद गाड़ी को रोको। नहीं सर, एक मिनट, खाना बेटा आपका नाम क्या? आपका यूसुफ। क्या करते हैं लोग स्टॉप पे? बस पहली बात, बस स्टॉप पे आप बस रुकाते ही नहीं हो, रुकाओगे कोई पब्लिक उतरने वाली देगी तो तुम ऑन द वे चलते चलते रुका। इसके गाड़ी का बैच किधर है? एक बैच किधर है? अभी कोरोना के वजह से लगा रहा। कोरोना में क्या बैच लगाना मना किया है सरकार ने? अभी लगना, ब्रिज पे भी लग जाएगा। जवाब चाहिए बैच किधर है तुम्हारा? मैं कल मांग करूंगा कि तुम दोनों का सस्पेंशन होना चाहिए।
तुम दोनों का नाम बताओ, इसका नाम नोट करो, गाड़ी का नंबर लिया कल डिलीवरी, इसका नाम नोट करो दोनों का, नाम सांगा, नाम सांगा, नाम सांगा, नाम क्या है? प्रकाश टावरे, प्रकाश टावरे नोट करो, प्रकाश टावरे कंडक्टर और ड्राइवर का नाम क्या? सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करूंगा मैं कल व्यवस्थापक जी से, आप दोनों के बारे में, ये पब्लिक बेवकूफ है, ये पब्लिक बेवकूफ है, कहाँ गया लड़का हो अभी जो स्टेटमेंट दिया, ये सब गलत बोलते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोग गाड़ी को जब हमने बस स्टॉप बना दिया है तो ये बस को तुम वहाँ क्यों नहीं रोकते हो? गलती क्यों हो जाती है? बार बार गलती होती है। तुमको सैलरी, तुम एक मिनट, तुमको सैलरी इसलिए हम देते हैं क्या? तुमको सैलरी क्यों देती है? तुम क्यों नहीं बैठ कर, मैं जो पूछता हूँ जॉब चाहिए डीएमटी, एक मिनट कार्रवाई करो सर, एक मिनट, डीएमटी आपकी सैलरी क्यों देती है? ये पैसेंजर लोगों को तकलीफ होती है, हमारी गाड़ी रहेगा प्रॉब्लम, छाड़ देते हैं सर, आप दुश्मन नहीं है हर किसी की, यही लोग तुम लोग बस स्टॉप पर रोकते नहीं हो, जो गाड़ी का आप पर्सनल आपके ऊपर नहीं हाथ उठाए जा रहे हैं, टीएमसी की जितनी सारी बसें हैं ना, अभी क्या मैं पागल हूँ? किधर रुका स्टॉप पे? मैं तुमको आज कर रहा हूँ अमूर्त नगर से, फॉलो कर ले आपको, मैं एक मिनट मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ये जनता की कंप्लेन है, मुझे इन लोगों की शिकायतें हैं कि सर एक मिनट सर बस को रोका नहीं जाता, मैं एक मिनट एक मिनट तो तुम्हारा काम है बस को हर बस स्टॉप पे जहाँ पे तुम्हारा नंबर है वहाँ पे तुम रोको उसको, और इस तरीके से बस को लेके भाग जाना, बस स्टॉप पे बस को रोकना नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं व्यवस्थापक जी से मांग करता हूँ तुम्हारे इन दोनों का कल को कल तुम पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो हर स्टॉप पे रुका था, नाम लो इन दोनों का, हर स्टॉप पे रुका था, मैं कल करता हूँ। आप लोग नहीं रोकते थे क्या बस स्टॉप पर? पब्लिक कंप्लेन कर रही है ना, पब्लिक कंप्लेन क्यों कर रही है फिर? अच्छा आप लोग मुमरा रेलवे स्टेशन के पास भी नहीं रुकते, ब्रिज से लेकर जाते हैं, ब्रिज के ऊपर से लेके जाते हैं। स्टेटमेंट लीजिए, बस है ना नीचे से मांग की है, ऊपर से फ्लाईओवर से ले जाते हैं लोग, क्यों लेके जाते हैं आप लोग? अच्छा आप लोग नहीं लेके जाते? मैं देखता हूँ, जरूर करो कार्रवाई। भाई क्या बोलेंगे अभी? एक मिनट, अभी हमको जो कानून करना है वो हम करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश टावरे, पंजे वाला। अभी ये जो बस खड़ी है MH04G8174, अभी हमारा यही कहना है कि आज ये जो जनता खड़ी है इनका ये कहना है कि खान साहब ये बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं ये लोग बस स्टॉप पे बस को रोकते नहीं हैं, ये लोग मुमरा का जो फ्लाईओवर है बस को लेके ऊपर से जाते हैं, अभी इन्होंने कहा, जबकि मैं बार बार आप लोगों के साथ विनती कर चुका हूँ कि आपको बस को लेकर के नीचे से जाना है। लेकिन शमीम भाई इन लोगों का जो ड्राइवर है बस के, इनका कहना है कि जो है हम लोग रोकते हैं, तो हो सके ये लोग रोकते हो, दूसरे बस वाले नहीं रोकते हो, लेकिन इनका कहना है कि हम रोकते हैं। आज मैंने इनको मेरे स्टाइल में जैसे मेरी चेकिंग का मामला होता उस तरीके से आज हमने हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शिमना और जावेद शेख मेडिकल ने हम लोगों ने इनको अमृत नगर से बात किया है, ये वहाँ गलत पाए गए हैं। मैं मेरे व्यवस्थापक किशोर धावत जी से ये मांग करूंगा, गलत क्या पाए? स्टॉप पे नहीं रुके थे, ये स्टॉप पे रोकते नहीं है, ये फ्लाईओवर से लेके बस को जाते हैं, ये बस लेके नीचे से नहीं जाते हैं, पैसेंजर के साथ ये लोग गलत करते हैं, इसके लिए इनपे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, मैं इसकी मांग करूंगा। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप जो है बस नहीं रोकते हैं, ब्रिज से लेकर जाते हैं, और अभी जो पकड़े गए हैं आप जो स्टॉप पे क्यों नहीं रोके थे? अभी बस स्टॉप पे पब्लिक ही नहीं है, मैं तो उधर खड़ा पब्लिक ये क्या है फिर? पब्लिक है ना, तो कोई नहीं था, पब्लिक ही कंप्लेन कर रही है, पब्लिक है सब, पब्लिक बोलेगा कोई बस स्टॉप पे? अरे मैं हूँ ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश टावरे। अच्छा तो मुमरा रेलवे स्टेशन के पास आप ब्रिज से लेके जाते हैं? हमने लेके जाते हैं, जो
लेके जाते हैं दे जरूर कार्रवाई कम्प्लेंट भी हुआ है लेकिन पब्लिक शिकायत कर रही है ना शिकायत कर जरूर है जो लेके जा रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं जा रहे हम तो सर जा रहे नहीं हम तो अभी आज जो तुम्हारी गलती हुई है इसके लिए तुम्हारे पे एक्शन होगा तुम पे कानूनन एक्शन होगा।